उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब मामले की सुनवाई के दौरान एक महिला 6 साल पूर्व मृत घोषित अपने पति से भिड़ गई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल फतेहपुर जिले का इब्राहिम नामक व्यक्ति पिछले 6 साल पहले बांदा जिले में स्थित अपनी कृषि भूमि बेचकर गायब हो गया था। उसकी पत्नी फरीदा ने जमीन खरीदने वालों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM की अदालत में CRPF की धारा 156 के तहत प्रार्थना पत्र देकर मांग की थी कि उसके पति की हत्या कर शव गायब किए जाने की प्राथमिकी दर्ज की जाए। इसी मामले की सुनवाई चल रही थी, उसी समय विपक्षी गुट को लगा कि अदालत से उनके खिलाफ कथित हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश पारित हो सकता है, इसलिए विपक्षियों ने ठीक उसी समय कथित तौर पर मृत घोषित उसके पति को अदालत में हाजिर कर दिया। पति को अदालत में देख फरीदा अपना आपा खो बैठी और अपने पति को भरी अदालत से बाहर घसीट कर उसकी जमकर धुनाई की। तमाशबीनों का मजमा लग गया और अदालत को पुलिस बुलानी पड़ी। हालांकि करीब 1 घंटे की अफरा तफरी के बाद अदालत ने महिला का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।